गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी के मिशन 2019 में 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने की उम्मीदों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनावी नतीजों में बीजेपी को उम्मीद से कम सीटें मिली हैं। शायद अब बीजेपी को भी लगने लगा है कि 2019 का मिशन उसके लिए उतना आसान नहीं जितना वो सोच रही थी। यही वजह है कि मोदी जी ने मन की बात के अगले दिन ही दिल्ली बीजेपी से 18 साल के युवाओं को वोटर लिस्ट में शामिल करवाने के लिए अपने ऑफिस में बुलाया। बाकायदा युवाओं से फॉर्म भी भरवाए गए। इसी बीच बीजेपी के संगठन मंत्री रामलाल युवाओं को प्रधानमंत्री के मन की बात बताते इन युवाओं को फोन पर बीजेपी की सदस्यता दिला दी। प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की तरफ इशारा किया और हम लोग का ध्यान खींचा कि 2018 में 21वीं शताब्दी में मतलब 2000 में 99 में जो बच्चे पैदा हुए वो अब इस साल वोटर बन जाएंगे, वो वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। तो हमने आज उन्हीं बच्चों को बुलाया है कि हम आपका स्वागत करते हैं, आप लोग मालिक बनने वाले हैं, हम लोग सेवक हैं और आप लोग अपना अपना वोट बनवा लें और प्रधानमंत्री जी ने आपको विशेष सम्मान देने के लिए बोला है और हम पार्टी के लोग कर रहे हैं। पहला वोट देने के लिए सभी युवाओं में उत्सुकता होती है, नेताओं में क्या क्वालिटी होनी चाहिए और वो किस आधार पर वोट देंगे, तो युवाओं ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। वोट देंगे कि हमें मतलब अपने देश के लिए कि क्या हमारे लिए वो नेता क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमारा फर्ज बनता है वोट देने का। हम सब नागरिक हैं इस देश के तो हमें वोट देनी चाहिए हमें सबको। और सबसे रिक्वेस्ट है कि सब जो 18 साल के हो गए हैं वो वोट दें, सब वो अच्छे से काम करें और सब कुछ मतलब अच्छे से जो अच्छा होगा उसको ही वोट दिया जाए। और सबसे निवेदन है कि जो जो 18 साल के हो गए हैं वो सब लोग वोट दें, अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाएं और अच्छे नेता चुनकर वोट दें। लड़ाई के मैदान हो या फिर चुनावी शतरंज की बिसात, जीतता वही है जो वक्त से पहले अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लेता है। अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़ दिल्ली।